संकट कटे मिटे सपीरा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। मैं बजरंग बाबा आज मैं आपके लिए लाया हूँ नवरात्रों में किस दिन कौन सा प्रसाद देवी को भोग लगाना चाहिए। 9 दिन प्रसाद, हर दिन खास प्रसाद से प्रसन्न होंगी देवी। तो आज का जो हमारा विषय है वह नवरात्रों के 9 दिनों में 9 देवियों के 9 खास प्रसाद के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्रि में हर रोज देवी के विभिन्न रूपों का पूजन और उपाय करके माता को प्रसन्न किया जा सकता है। नवरात्रि में पहले दिन लेकर अंतिम दिन तक माँ को उनका मन पसंद भोग लगाकर जरूरतमंदों में वितरित कर देने से माँ का आशीर्वाद बना रहता है। माँ शैलपुत्री प्रथम नवरात्रि में दुर्गा की पूजा शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। पर्वत राज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री की पूजा करने से मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है और साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। माँ का वाहन वृषभ है तथा इन्हें गाय का घी अथवा उससे बने पदार्थों का भोग लगाया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी दूसरे नवरात्रि में माँ के ब्रह्मचारिणी एवं तपश्चारिणी के रूप में पूजा जाता है। जो साधक माँ के इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है और जीवन में वे जिस बात का संकल्प कर लेते हैं उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। माँ को शक्कर का भोग प्रिय है। माँ चंद्रघंटा माँ के इस रूप में मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र बना होने के कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा तथा तीसरे नवरात्रि में माँ के इसी रूप की पूजा की जाती है तथा माँ की कृपा से साधक को संसार के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। शेर पर सवारी करने वाली माता को दूध का भोग प्रिय है। माँ कुष्मांडा अपने उदर से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कुष्मांडा की पूजा चौथे नवरात्रि में करने का विधान है। इनकी आराधना करने वाले भक्तों के सभी प्रकार के रोग एवं कष्ट मिट जाते हैं तथा साधक को माँ की शक्ति और भक्ति के साथ ही आयु, यश और बल की प्राप्ति भी सहज ही हो जाती है। माँ को भोग में मालपुआ अतिप्रिय है। माँ स्कंद माता पंचम नवरात्रि में आदि शक्ति माँ दुर्गा की स्कंद माता के रूप में पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी पूजा करने वाले साधक संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की वस्तु का कोई अभाव कभी भी नहीं रहता। इन्हें केले का भोग अतिप्रिय है। माँ कात्यायनी महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति माँ दुर्गा ने इनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और उनका कात्यायनी नाम पड़ा। इस नवरात्रि में माँ के इसी रूप की पूजा की जाती है। माँ की कृपा से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि चारों फलों की प्राप्ति होती है। वहीं वह अलौकिक तेज से अलंकृत होकर हर प्रकार के भय, शोक एवं संतापों से मुक्त होकर खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। माँ को शहद अतिप्रिय होता है। माँ का प्रिय भोग है शहद। माँ कालरात्रि सभी राक्षसों के लिए काल रूप बनकर आई। माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा 7वें नवरात्रि में की जाती है। माँ के स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार के भूत, पिशाच एवं भय समाप्त हो जाते हैं। माँ की कृपा से भानु चक्र जागृत होता है। माँ को गुड़,
का भोग अतप्रिय है। माँ महागौरी आदि शक्ति माँ दुर्गा की महागौरी रूप की पूजा आठवें नवरात्र में की जाती है। माँ ने काली रूप में आने के पश्चात घोर तपस्या की और पुनः घोर वरण पाया और महागौरी कहलाई। माँ की कृपा से साधक के सभी कष्ट मिट जाते हैं और इसे आर्थिक लाभ भी मिलता है। माँ सिद्धदात्री नौवें नवरात्र में माँ के इस रूप की पूजा एवं आराधना की जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, माँ का यह रूप साधक को सभी प्रकार की रिद्धियां एवं सिद्धियां प्रदान करने वाला है। जिस पर माँ की कृपा हो जाती है उसके लिए जीवन में कुछ भी पाना असंभव नहीं रहता। माँ को खीर अतप्रिय है, अतः माँ को खीर का भोग लगाना चाहिए। ना कोई चिंता ना कोई भय, काल कमाई सदाई तेरी जय। जय हो कालिका माता की जय। Oh,